धन्यवाद मदन भाई। देखिए, मैं जानता हूं कि मैं हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा मेधा वाली कैंपस में हूं। आप सबसे उर्वर मस्तिष्क के स्वामी हैं, तभी यहां पर हैं। आप तो जबरदस्ती घसीट के लाए नहीं गए हैं कानपुर आईआईटी में। लेकिन मैं गांव का आदमी, मेरा विज्ञान से इतना ही नाता है कि पिछले 5 साल पहले तक मैं आइंस्टीन की फोटो को नसरुद्दीन शाह की समझता था। ऐसी स्थिति में जहां पर सारे लोग आईआईटी की तैयारी करके, कुछ आईआईटी में पढ़ा के अंकिता जी आई हैं, ये पढ़ते पढ़ते दूसरी चीज पढ़ के गए। वो जो है हम आर्किमिडीज की जगह पर राम पढ़ के गए, तो वहां पे जो है मैं गांव का आदमी आपके बीच में आया हूं इस उम्मीद से कि मैं गांव में बता सकूं कि जिस डर से हम विज्ञान नहीं पढ़ पाए, असल उतना भी उसर, उतना भी निरस नहीं है। हिंदुस्तान के गांव गांव को इसी विज्ञान की तरफ बढ़ के आना चाहिए, जो केवल अंधविश्वास की जान में लपेटा हुआ। मैं ये बता सकूं आपको, इसलिए मुझे भरोसा दीजिएगा। मैं ये भी जानता हूं कि आप ही में से कोई वो व्यक्ति होगा भविष्य का जो चंद्रमा और चंद्रयान के बीच जो 2 किलोमीटर की दूरी है उसको पाट देगा। वरना मैं ऐसे स्कूल से पढ़ा हूं जहां स्कूल का टीचर मुझे कह रहा होगा कि इसरो से नहीं हुआ दूसरों को बुलाओ। तो ये जो व्हाट्सएप पर जो चर्च भेजा जा रहा है, वो चर्च जिसको मोबाइल की चिलम से बिना कुछ किए बिना धुआं उड़ाए रोज ले रहे हैं, वैज्ञानिक चेतना को इसरो किससे उठाकर दूसरों तीसरों तक पहुंचा रहा है, उसको हतोत्साहित करने के लिए आपको गांव के एक व्यक्ति को हौसला देना होगा कि हाँ, तुम हिंदुस्तान के सबसे बड़े कैंपस में पढ़ो मिट्टी की बात। मैं एक गीत से शुरुआत करूंगा, उसके बाद फिर आपके हौसले के लिए, क्योंकि आपने जिस तरह से कविता पढ़ी है, कविता सुनी आप लोगों ने, देखिए किड्स ने कहा था न्यूटन के लिए कि धिक्कार है न्यूटन कि तुमने इंद्रधनुष की विशेषताओं का वर्णन वैज्ञानिक तरीके से करके उसकी कविता को खराब कर दिया। ये उसने कहा था किड्स ने। वाह 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 वाह। तो आपको जवाब देना है कि किड्स का कथन गलत था। विज्ञान भी साहित्य के साथ इंद्रधनुष का रंग बनाता है। आपने आज सिद्ध किया है, आपने सिद्ध किया किड्स के कथन को, आपने खारिज किया है कि अगर कोई इंद्रधनुष का वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं कर लेगा तो भी उसकी कविता खत्म नहीं हो सकती है, उसका इंद्रधनुष बना रहेगा। ये कविता जो मैं सोच के आया नहीं था, लेकिन आपका उत्साह, आपको देख के मैं केवल पढ़ रहा हूं ये कविता कि तेरी मेरी सब की बात लिखेंगे, तेरी मेरी सब की बात लिखेंगे, हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे, तेरी मेरी सब की बात लिखेंगे, हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे। के रथ हम चढ़ेंगे जरूर, हाथ जो बढ़ाएंगे तो चंदा नहीं दूर, अरे चंदा नहीं दूर, और सूखे बादलों पर बरसात लिखेंगे, सूखे बादलों पर बरसात लिखेंगे, हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे। और देखिए, मैं जानता हूं कि आप सब में से किसी गांव के किसी छोटे से कस्बे के घर में चौकी पर एक 100 वाट्स का बल्ब जलाकर शाम को 6 बजे पढ़ने बैठ जाते होंगे, तब यहां तक की यात्रा आपने तय की है। ऐसे नहीं पहुंचे आप यहां तक। मैं ये भी जानता हूं कि आप घर पर से सीधे किताबों से होकर सीधे आईआईटी कैंपस में आए, अभी तो दुनिया आपको देखनी है और दुनिया अभी आपको देखेगी, अभी दोनों बातें भी बाकी है, दोनों बातें भी बाकी है। वहां से
बीरबल महुआ शीशम और पलाश लिखेंगे, बीरबल महुआ शीशम और पलाश लिखेंगे, अब ही तो कल इतिहास लिखेंगे जी, इतिहास लिखेंगे। पीछे शायद आज शंकर महादेवन आ रहे हैं, नटराज नृत्य हम लोगों को करना पड़ रहा है। ठीक है, पीछे शंकर आ रहे हैं लेकिन आईआईटी कानपुर भैया तांडव यहाँ कर देंगे लोग। हाँ, अच्छा आपको बता रहा है कि दुनिया, अगर पश्चिम की दुनिया साइंस में न्यूटन देती है तो ये कानपुर में यहाँ सब फ्रेंडम देते हैं, ये साइंस ऑफ फ्रेंडम ही पाया जाता है, तो ये कानपुर आईआईटी। एक गीत में बोलता हूँ आप लोगों के सामने, देखिए आपकी जो पीढ़ी है, हमारी जो पीढ़ी है, हम लोग इनको बड़ी पीढ़ी, हम जाती हुई तहजीबें देख रहे हैं, आगे इनको दिदाजियां देख रहे हैं, हम वो पीढ़ी हो गए हैं, हम वो पीढ़ी हो गए हैं जो कूपन से रिचार्ज हो रहे हैं, बात करते हुए खर्च हो जा रहे हैं, बात करते हुए खर्च हो जा रहे हैं। हमें वो लगता है कि हम चार दिन दस दिन जो है छठ में होली में दिवाली में दशहरा में जो घर जाएंगे, अब वो केटीएम के बाइक पर चढ़ के 160 की स्पीड से दुनियादारी जीत लेंगे, ऐसा लगता है हम लोग को, लेकिन असल में उस रेस से दुनिया नहीं जीती जा सकती है। इसलिए आप पर जिम्मेदारी ज्यादा है कि आप कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या बचाएंगे, वहां से की क्या कहते हैं कि थोड़ा सा नदी का पानी मुट्ठी भर रेत रख लो, क्या कहने, अरे धान गेहूं सरसों वाले हरे पीले खेत रख लो, हाँ रख लो एक बैल भैया, चचा नाम चचा, चचा के पास कुछ नहीं बचा, चचा उसने बोल रहे आप लोग पता नहीं मानेंगे कि नहीं, कि रख लो एक बैल भैया हल से बांध के, और दुअरे एक गाय खड़ी हो चारा खाए सान के, कि पूछेगा जो को तो, अरे उसको बताएंगे आने वाली पीढ़ियों को, चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी, कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी। एक विज्ञापन आता है रिलायंस का कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, आप साइंस पढ़ने वाले हैं, आप में भी संवेदना है, बताइएगा बाहर निकलने के बाद इसके से कि मुट्ठी के कथाओ में दुनिया दम भी तोड़ सकती है, इसलिए मुट्ठियां खुले रखें, मुट्ठियां खुले रखिएगा, क्योंकि बाजार जिस तरह से हमारे कपार पर चढ़ाए उस बीच से ये कविता निकल के आ रही है कि स्कूल के पीछे वाला अमरुद का पेड़ रख लो, पोखर के पीड़ खड़ा वो जामुन और बेर रख लो, एक दो तो बगिया रख लो बगिया में फूल रे, अरे भौरे और तितली जहां खेले मिल जुल रे, क्या कहे कि दादी नानी के किसे बाबा की डांट रखना, अरे आंगन में लगने वाली बुढ़िया की खाट रखना, कहने रख देना ताखे पर आधी पीढ़ी की निशानी रे, रख देना ताखे पर आधी पीढ़ी की निशानी रे, जिसे पी के नानी सुनाती परियों की कहानी रे, जिसे पी के नानी सुनाती परियों की कहानी रे। और कल आपको बहुत अच्छा पैकेज मिल जाएगा, करोड़ों में आप भी खेलेंगे खिलवाएंगे, लेकिन उसके बाद भी कि सोफे तुम लाख लगाना बाबा की चौकी रखना, हाय हाय वाह वाह वाह, अरे उस पर एक पतला बिछौना लोटा और पानी रखना, अरे रखना वही एक लालटेन, लालटेन में तेल रे, जहां करे रात चांदनी रोशनी से मेल रे, करे रात चांदनी रोशनी से मेल रे। और क्या रखना, ये मैकडी वाला हमें खिला रहा है मैक्सिकन स्पाइसी बर्गर, पूरी दुनिया को काली मिर्च हमने खिलाया, मसाला हम खिलाया, पूरी दुनिया में
इसके पहले कभी स्पाइसी नहीं खाया जाता था। काली मिर्च को यवन प्रिय कहा जाता है। यूनानी सोने की सरफिया देकर केरल से मसाला ले जाते थे। क्या हम ऐसे उठा के एक झाड़ झाड़ देते थे तो 25 सरफिया गिरती थी, पाव भर मसाला देते थे। उसके बाद भी सोची कि बाजार का जादू देखिए, बाजार का दुष्चक्र देखिए। अरे हमने, मैं बिहार का हूं, अरे हमने 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 लिट्टी चला के मारा तो हूं भगा दिया। सिकंदर के रथ को हमने पहले लिट्टी पटक के रोका था, बम नहीं था उसके पास। तो वहां से गांव में एक मेला रखना, तरकस और खेला रखना, अरे जाट और पगौड़ी वाले एक दो तो ठेला रखना। याद रखना झाल मुढ़ी का मर्चा तूफानी रे। याद ये हिंदी की खुशबू की, अपनी मिट्टी की खुशबू की शिनाख्त है कि वहां से बुजुर्ग बार हमारे बीच में आ रहे हैं। निश्चित रूप से ये हमारी देसी पुल की जीत है। एक बार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत शानदार। वर्णा में कोई दिन ऐसा नहीं रहा है, आदमी ऑर्डर करेगा ऐसा कैन यू मैरी मी। कि गांव में एक मेला रखना, सरकस वर ठेला रखना, चाट वर बगौड़ी वाले एक दो तो ठेला रखना। याद रखना झाल मुढ़ी में मर्चा तूफानी रे, और गुपचुप में पीने वाला इमली का पानी रे। होली के रंग बचा लो दिवाली के दीप रे। अरे भोर की अजाने रखना छठ वाले गीत रे। कि भूल नहीं जाना अपने लोक संस्कार, अरे पुरखों से मिले हुए सब तीज त्योहार। कि पूछेगा जो को अरे उसको बताएंगे, आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी, कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी, हुआ करती थी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी इजाजत हो तो एक गीत और सुनाओ। सर्च करेंगे तो सीसेट का आंदोलन ही मैंने मुखर्जी रन में खड़ा किया, अनशन को बैठा कि हे भगवान आईआईटी वाले आ रहे हैं। तो मैं हिंदी मीडियम यूपीएससी तैयारी करने वाला, हमारे यहां स्थिति होती है आप यूपीएससी क्रैक करते हैं, पढ़ते क्रैक हो गया तो आप लोग की अलग दुनिया है। हम तो मुखर्जी नगर में ऐसे, आपको तो इतना अच्छा भोजन है, 3 सब्जी था आज। आप तो कम से कम सीटी बजा भी लेते हैं, हमारा कुछ नहीं निकलता। आप देखिएगा मुखर्जी नगर में आके, क्योंकि मैं भी अपना मार्केटिंग कर रहा हूं, मैंने किताब लिखा है यूपीएससी पर टॉप फोर, उसी के लिए मुझे साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। तो आप देखिए, वहां तो हमारी जिंदगी ऐसी 25 इंच का कमरा है, डेंगू का मच्छर बाहर रहता है जब हम अंदर रहते हैं, तो जगह नहीं है। हम बाहर आते तो वो अंदर जाकर भिन भिन आता, सालों भर रजाई ओढ़ के सोते, रखने जगह नहीं है। कौन सोते कहा रखेंगे, जस्ट हम उन परिस्थितियों में वहां तैयारी कर रहे हैं कि हम अगर पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स से, मान लो 10-15 दिन
हेलो खोलो कौन यमराज खोलो क्या बात है तुमको लेने आए हैं जाइए पीने के बाद अभी मरने का फुर्सत है यमराज को भी वेटिंग पर रख देते हैं और उसके बाद जब यमराज आ जाए हम लोग को लेने पल्ले बोलते पहले हमारा एनसीईआरटी लगा इसी में भैंस मर जाएगा तुम्हारा हमको बाद में ढोना तुम इतना करके भी लिस्ट में आप ही लोग रहते हैं हम है नहीं तब ये वाला रास्ता निकाला कि अगर आईआईटी वाले इधर आ रहे हैं तो चलो हम इधर आते हैं एनसीईआरटी के हवाले से स्वागत है मैं जॉन बुकानन की कोई उनका कुछ नोट्स पढ़ रहा था झारखंड में जब वो संथाल पंगना के तरफ घूम रहे थे वहां के इतिहास का तो वो पढ़ते वक्त मेरे दिमाग में आया कि सोचिए जब जल प्लावन के बाद जब धरती निकली होगी और जब पहला बीज खिला होगा तो जिस व्यक्ति ने पहला फावड़ा मारा होगा और जो पहला बीज निकला होगा उस वक्त क्या दृश्य रहा होगा क्या दृश्य रहा होगा आज जब आप बॉम्बे में आरा के जंगल को कटने वक्त फेसबुक पर कैंपेनिंग चला रहे हैं अपनी आंखों के आगे दुनिया उजड़ती आप जब देख रहे हैं जब आप अमेज़न के जलते हुए जंगल पर यहां सिगरेट सुलगाते हुए बहस कर रहे हैं वहां पर सोचिए एक एक कवि की कल्पना कि वो किसान जब उसने पहली बार कोई बीज देखा होगा निकलते ही वो दौड़ा होगा अपने आसपास और उसने क्या सोचा होगा सोहर एक शब्द आएगा इसमें क्योंकि मैं आईटी कानपुर में हूँ सोहर आप सब जानते हैं बच्चों के जन्म पर गाया जाता है बेटे बेटियों के जन्म पर वहां से सुनिए ये गीत स्वागत है पहला बीज निकला है पहला फावड़ा मारा है किसान ने पहला बीज खिला है वहां से कैसा माहौल है अरे धरती बजड़ी पर कोपल फूटे हैं सोहर गाओ अरे धरती अरे बजड़ी पर कोपल फूटे हैं सोहर गाओ अरे नर्तक तुम अभी चालू हो यार इधर से हम ही गान के अकेले अब आया अच्छा अच्छा ये लोग भले पाई खराब हो लेकिन ये सात आठ लड़का आपके कैंपस का कितना संस्कारी दिख रहा ये है या ट्रेनिंग लिया दो तीन घंटों में मैंने अंदर से बोलता होगा कि बस जाओ तुम लोग उसको उसके बाद पता चला कि तो लाल वाला लाल गमछा वाली मैं तो बेचारा बोल बर्दाश्त करा गया कोई बात नहीं बस और 15 मिनट 10 मिनट उसके बाद फिर अपने रंग में आ जाना बहुत बहुत आदर से जब से आए हैं वहां से बहुत अदब से बहुत संस्कारवान तरीके से ला रहे हैं बहुत मुश्किल से ऐसे ही 4-5 बचे ही हैं मरे धरती बजड़ी पर कोपल फूटे हैं सोहर गाओ अरे नर्तक प्रिय मयूरो जंगल का आदमी ऐसे गाता है अरिजीत सिंह तो है नहीं वो लोग सुर में गाता है हम महिषासुर में गाते अरे नर्तक प्रिय मयूरो आओ अरे पंख खोल कर चार डोलाओ अरे धरती बजड़ी पर कोपल फूटे हैं सोहर गाओ मैं ये मान कर भी कि आपने पर्यावरण दिवस के दिन एक पौधा भले ना रोपा हो लेकिन आप उस संवेदना को जरूर समझ रहे होंगे ये मान कर मैं गीत गा रहा हूं अब देखिए कि चांद के कान छेद कर उसमें पहना दो गेहूं की बाली और अच्छा है अरे चांद के कान छेद कर उसमें पहना दो गेहूं की बाली कमाल सप्तऋषि से कहो कि लेकर खड़े रहे अक्षत की थाली अरे सप्तऋषि से कहो कि लेकर खड़े रहे अक्षत की थाली अरे कटते टिकते जी अरे कटते झड़ते जंग
आओ अरे धरती अरे बजड़ी पर को फल फूटे हैं सोहर उगाओ। देखिए मैं प्रेम पर नहीं लिखता हूं, इसका वैज्ञानिक कारण है। आप लोग क्योंकि देखिए आप जिस उम्र में हैं, अब जो लोग कुर्बान हो गए आप जिस उम्र में हैं, लिखने में समय बर्बाद मत कीजिए, कर लीजिए। कर लीजिए क्योंकि भारत कुपोषण में जिस तरह से अपना रेटिंग बढ़ा रहा है, एक टाइम के बाद क्या इसलिए जो है मौका मिले कर लीजिए, उसके बाद जब नहीं हो पाएगा तो लिखनू से करिएगा लिख लिख के, तो फिर लिखना ही है। अब वहां देखिए एक सांप होता है धामन सांप घोड़ा पछाड़ जिसको बोलते हैं। अच्छा देखिए मैं कितना विज्ञान की कक्षा में जीव विज्ञान की भी बातें कर ले रहा हूं। तो वो जो धामन सांप है वो जब किसी गाय को बांध ले दूध पीने के लिए ना, तो उसको आप अगर काट भी देंगे ना तो बिना दूध पिए वो नहीं उतरेगा, चाहे वो मर जाएगा। बिल्कुल सही। तो आज जिस जंगल जमीन की हम बात कर रहे हैं उसको बचाने की लड़ाई ऐसे ही लड़नी होगी कि हमको वैसे ही लपेटना होगा अपने जंगल को कि अमर बेल जंगल को बांधो जैसे धामिन बांधे है धन। अरे अमर बेल जंगल को बांधो जैसे धामिन बांधे है धन। अरे जैसे कस्तूरी के पीछे बंध जाता हिरन का जीवन, अरे मकई के दानों अरे अरहर के दानों अरे झुनर झुनर झुन झुनर झुनर झुन 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 कजरी गाओ, अरे झुनर झुनर झुन झुनर झुनर झुन 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 कजरी गाओ। अरे धरती अरे बजड़ी पर कोपल फूटे हैं सोहर गाओ, अरे सोहर गाओ, अरे सोहर गाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, अच्छा आपने सुना इतना शानदार। तालियों में शोर बजाते रहिए, आनंद आएगा, हो सकता है।